Very good evening, everyone. Good evening, sir. Very good evening to everyone. आप सब लोगों का स्वागत है इस फ्री कोर्स में, जिसके अंदर हम आपको मोटिवेट करते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि आप एयर होस्टेस कैसे बने या फिर आप कैबिन क्रू कैसे बने। एक बार फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपना कैमरा ऑन रखिए, और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि आप इंडिगो एयर की एयर होस्टेस की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे, एयर होस्टेस कैबिन क्रू की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे, और एयर इंडिया की एयर होस्टेस और कैबिन क्रू की जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। तो आप सब लोग प्लीज क्लास ले रहे हैं सीरियसली, लेट के मत लीजिए, अपना कैमरा ऑन रखिए। अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमें आपको इस क्लासरूम से बाहर निकालना होगा। ये फ्री कोर्स है, आप सब लोग से फ्री में कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम पे जाके नोट्स को जरूर पढ़ें। तो एक बार दोबारा मैं अपने आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आज मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि आप इंडिगो एयर के कैबिन क्रू या एयर होस्टेस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर आप एयर इंडिया की कैबिन क्रू या एयर होस्टेस की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, और स्पाइस जेट की कैबिन क्रू और एयर होस्टेस की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आप लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग इस स्क्रीन को देखिए और उसके अंदर आपको जो लिंक मिलेंगे उस लिंक पर जाकर आपको प्रोसेस करना होता है अपनी जॉब्स के लिए। इससे पहले मैं आपको लिंक दूं, क्या कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? हां जी बोलिए। गुड इवनिंग। हां जी, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। बोलो भाई, बोलो। हाँ जी, जो बोलना चाहते हैं प्लीज बोलिए, आप लोगों के पास काफी कम टाइम है, सिर्फ आधे घंटे की एक क्लास होती है, वो भी हफ्ते में एक, तो प्लीज बिना टाइम खराब किए आप लोग बोलिए। हाँ जी बोलिए। ठीक है, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आप अपने आप को म्यूट रख सकते हैं, जब तक आपके पास सवाल नहीं है तब तक अपने आप को म्यूट रखिए, जब सवाल होगा तब अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है वो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। जो हम सीवी में ना हम लोग वो लिखते हैं ना, हमारा जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, हमारा जो लीडरशिप एंड ऑल, उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी है? That certificate is mandatory in case of few airlines, but not in case of all the airlines. Okay sir. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एयरलाइन आपसे वो सर्टिफिकेट मांगेगी, अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आपकी ऑप्शन थोड़ी सी कम हो जाएंगी, अदरवाइज भी आपको बड़े आराम से जॉब मिल सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड? सर सॉरी, आई हैव वन अनदर क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। सर, सो दैट आई एम टिबेटियन, तो मेरी नेशनलिटी पे मैंने टिबेटियन लिखा है, तो साइट में पासपोर्ट अंडर प्रोसेस लिख सकते हैं और ऐसे रख? अंडर प्रोसेस लिख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल आप लोगों ने पूछा है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे सऊदी अरेबिया एयरलाइन के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो सब लोग प्लीज अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, और जब तक आपने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया तब तक आप लिख सकते हैं अप्लाइड फॉर। ठीक है, मान लीजिए कि आपका वो अप्लाइड फॉर नहीं ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी पासपोर्ट नंबर होते हैं उनमें एक अल्फाबेट होता है और उसके अंदर बाकी 7 डिजिट्स होती हैं, तो आप कुछ भी अल्फाबेट डाल देंगे और कुछ भी उसके अंदर 7 डिजिट्स डाल देंगे तो वो आपका ले लेगा। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू प्रोसेस। कहीं पर भी आपसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है
और आपके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर आप अपना रियल पासपोर्ट नंबर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप एक अल्फाबेट, जैसे कि मुझे अपना नकली पासपोर्ट नंबर डालना है तो मैं लिख सकता हूं Z 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सिस्टम ले लेगा, ठीक है, क्यों ले लेगा, क्योंकि जितने भी पासपोर्ट नंबर है उनके अंदर एक अल्फाबेट होता है, पहला अल्फाबेट होता है और बाकी हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर भी आपको इस चीज के लिए अप्लाई करना है। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमारा एज 18 प्लस रहना क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 14 दिन का बच्चा, 14 दिन 14 डेज की एज से बड़े बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, जो माइनर होंगे उनके पेरेंट्स उनका अप्लाई करते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपको 18 साल का होना पड़ेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी एज में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको लिंक दूंगा और यही लिंक मैं अभी आपको चैट के ऊपर भी भेज दूंगा। अगर किसी को चैट के ऊपर नहीं मिलेगा तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको ईमेल आईडी दी गई है स्पाइस जेट के लिए। अगर आप स्पाइस जेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो रिज्यूमे भेजना है वो careers@spicejet.com के लिए करना है। अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो इस ईमेल आईडी पे अपना अच्छा सा बढ़िया सा बना हुआ रिज्यूमे आपने ईमेल करना है। और जिन लोगों को रिज्यूमे बनाना नहीं आता है वो वेट कीजिए, हम आपको उसका प्रोसेस भी देंगे। इसके अलावा अभी से ही हमारा एक क्या कहते हैं डमी रेज्यूमे आपके वर्चुअल क्लासरूम पे डाल दिया गया है। तो जिनको अपना रेज्यूमे बनाना नहीं आता है वो डमी रेज्यूमे के ऊपर अपना नाम डाल के उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ईमेल आईडी दे दी गई है जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है, अगर आप स्पाइस जेट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो, ओके। इसके बाद आपको यहां पर लिंक दिया गया है, इसके बाद आपको लिंक दिया गया है कि अगर आपको इंडिगो के साथ अप्लाई करना है तो यहां पर पूरा लिंक दिया गया है, आपको साइन अप करना होगा, साइन अप विद इंडिगो टू अप्लाई फॉर जॉब्स। इंडिगो की जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, चाहे वो कैबिन क्रू की जॉब हो, चाहे वो एयर होस्टेस की जॉब हो, चाहे वो एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब हो, चाहे वो रैंप से रिलेटेड हो, चाहे वो एयर टिकटिंग से रिलेटेड हो, तो जितनी भी हमारी जॉब्स होती हैं उनों के लिए हमारे को साइन अप करना होता है। उसका लिंक यहां पर दे दिया गया है, अभी मैं आपको चैट पर भी ये लिंक डाल दूंगा। फिर इसके अलावा गो एयर, तो यहां पर चार एयरलाइंस का आपको लिंक दिया जा रहा है। एक आपको स्पाइस जेट की ईमेल आईडी दी जा रही है, आपको इंडिगो का लिंक दिया गया है, गो एयर का आपको लिंक दिया गया है कि अगर आपको गो एयर के अंदर अप्लाई करना है तो उसका भी यहां पर लिंक दिया गया है, और उसके अलावा एयर इंडिया का आपको लिंक दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं अभी आपको आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, तो जितने भी लोग इस वक्त ये क्लास ले रहे हैं उनके पास पहुंच जाएगा। ये संभव नहीं हो पाता कि हर एक किसी को हम व्हाट्सएप पे भेज पाए, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एयर टिकटिंग से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी तरह की आप इन एयरलाइंस में, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, और सबसे ज्यादा आसानी से आपको यही जॉब मिलने वाली है क्योंकि ये इंडियन एयरलाइंस है। गो एयर इज ऑल्सो एन इंडियन एयरलाइन, इंडिगो इज ऑल्सो एन इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया तो आप जानते ही हैं। जैसे कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, अगर आपकी एयर इंडिया में जॉब लगती है तो शुरू में आपकी जो जॉब होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, तो उसको हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कहते हैं। पर अगर आप अच्छे से काम करते रहते हैं तो 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में, और कई बार अगर ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है, आप गवर्नमेंट पेरोल पर भी आ जाते हैं। एयर इंडिया के प्राइवेट होने की बात की जा रही है कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बट प्राइवेटाइजेशन इतनी आसानी से नहीं होता है। तो आपको इस बात को समझना है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो भी आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। एयर इंडिया में अगर आपकी जॉब लगती है तो वो आपकी गवर्नमेंट जॉब में कन्वर्ट हो सकती है। एयर इंडिया के साथ अगर आप एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे हो तो वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर कन्वर्ट हो सकती है।
अभी कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, एक करके बोलिए। देर इज अ, देखिए अगर आप, देखिए सुनिए, अगर आप एक जेंटलमैन हैं और एक लड़की अगर सवाल पूछना चाह रही है तो आप पहले लड़की को मौका दीजिए, ठीक है? आप सुन पा रहे हैं कि कोई लड़की एक पहले सवाल पूछना चाह रही है तो प्लीज। बेटा प्रियंका, शायद आप सवाल पूछना चाह रहे हो, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप। यस सर, ऑनलाइन जयपुर डिप्लोमा चाहिए कोर्स, तो मेरा फॉर्म सिलेक्ट हुआ है, मुझे कल बुलाया है। आपको कल बुलाया है? हाँ, तो बात है, आप फॉर्मली ड्रेसअप होकर जाइएगा। अगर आपको कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो आप अच्छे से तैयार होकर जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। जो चीजें आपको हमारे वर्चुअल क्लासरूम में नोट्स मिले हैं उनको पढ़कर जाइएगा और कॉन्फिडेंटली बताइएगा कि आप एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हैं। चाहे आप फ्री कोर्स कर रही हैं पर फिर भी आप बताइए कि आप एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हैं और जो आपको हमने सिखाया है वो सब कुछ उनको आप बता सकती हैं। आपके जॉब लगने के चांसेस उससे बढ़ेंगे ही। और देखिए, ये माना जाता है कि अगर कोई भी लड़की स्कर्ट पहनकर जाती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत छोटी स्कर्ट पहननी है, बिल्कुल भी नहीं पहननी है छोटी स्कर्ट। छोटी स्कर्ट पहनना एक नेगेटिव है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप अगर अपनी नी लेंथ तक की स्कर्ट पहनते हैं तो उल्टा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं, कॉन्फिडेंटली अपने सवालों के जवाब देती हैं और अपनी नॉलेज को आप खुद बता पाती हैं कि हाँ जी आपको ये सब कुछ आता है, तो आपकी जॉब जरूर लगेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर वो आपसे कोई पैसे मांगते हैं कि हाँ जी आप पैसे दीजिए इंटरव्यू देने के या फिर आपके सिलेक्शन के, तो उनको पैसे मत दीजिएगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है? हाँ जी, कोई और कुछ पूछना चाहता था? हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी हेलो बोलिए। सर, केविन क्रू को सैलरी के अलावा क्या क्या बेनिफिट मिलता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं इसी के ऊपर ही आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके अंदर ये दिखाया गया है कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक हमारी वीडियो क्लास भी अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारी क्लास मिस हो गई है, तो जितनी भी हमारी क्लासेस हो रही हैं वो सब हमारे YouTube चैनल पर हैं। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो क्लास भी अवेलेबल है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर वीडियो के साथ, फोटोग्राफ के साथ भी समझाया गया है कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट केविन क्रू को ये मिलता है कि आप पूरी की पूरी दुनिया 5 से 10 साल के अंदर ट्रैवल कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आप केविन क्रू बन जाते हैं तो आपको फ्री टिकट मिल रही है, साथ में आपको होटल भी मिल रहा है। इसके अलावा आपको जो ट्रैवल कंपनीज हैं वो आपको फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी दे रही है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप पूरी की पूरी दुनिया बहुत ही कम वक्त में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फायदा ये होता है कि आपकी सैलरी काफी ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 35 ईयर्स की एज के बाद या 40 ईयर्स की एज के बाद हम लोग जॉब नहीं कर सकते हैं एयर होस्टेस की या कैबिन क्रू की, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी एयरलाइंस 35 ईयर्स की एज के बाद या फिर 40 ईयर्स की एज के बाद कैबिन क्रू को निकालना शुरू कर देती हैं, तो उस केस में इनों के पास और बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। जैसे कि कितने सारे स्कूल कॉलेज हैं जो कैबिन क्रू को या एयर होस्टेस को जॉब्स देते हैं यही सब पढ़ाने की। आप जानते हैं कि जो लोग कैबिन क्रू को ट्रेनिंग दे सकते हैं उन लोगों की सैलरी लाखों में होती है, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उन लोगों की सैलरी होती है। तो जो केबिन क्रू बन के रिटायर हुआ है वो ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट के टीचर्स बन सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं केबिन क्रू की जॉब छोड़ने के बाद भी। तो एक बार फिर मैं आपसे क्या कहते हैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसके अंदर आपको और बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे और मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं ये स्क्रीन थोड़ी सी आपके लिए बड़ी कर रहा हूं, जिसके भी पीछे से शोर आ रहा है मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को आप म्यूट कर लें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि मैं आपको समझा भी दूंगा। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं आर्मी के अंदर, जो लोग कैबिन क्रू से रिटायर होते हैं या फिर एयर होस्टेस से रिटायर होते हैं। इसके अलावा पीएम सर्विस, पीएम सर्विस क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर सर्विस, तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड काफी सारे ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर कैबिन क्रू को, फ्लाइट स्टूवर्ड्स को, फ्लाइट अटेंडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है जॉब की रिटायर होने के बाद। और अगर आप जॉब कर रहे हैं उस वक्त भी आपके साथ ये ऑप्शन है, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आप इन सब जॉब्स के लिए जा सकते हैं। फ्री फ्लाइट्स, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पूरी दुनिया के लिए आपको फ्री फ्लाइट्स मिल जाती हैं अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। आपको अपने रिलेटिव्स के लिए भी फ्री टिकट्स मिलती हैं और डिस्काउंटेड टिकट्स भी मिलती हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं है, उनके लिए आप डिस्काउंटेड फेयर ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री होटल, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री फूड मिलता है आपको खाने के लिए। एक फ्लाइट के अंदर इतना ज्यादा खाना होता है कि कैबिन क्रू अगर अपने घर ले जाएं तो उनको एक एक हफ्ता खाना ना बनाना पड़े, और अलाउड होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो खाना यूज नहीं हुआ है उसको कैबिन क्रू को ले जाना अलाउड होता है। इसके अलावा कैबिन क्रू का जो ऑफिस एयरपोर्ट पर होता है, जिस सिटी से वो बिलोंग करते हैं, वहां पर भी इनको अनलिमिटेड फूड मिलता है। एयरपोर्ट के ऊपर जो लाउंज होते हैं उनके अंदर कैबिन क्रू को एक्सेस मिलता है, उसके अंदर भी अनलिमिटेड खाना होता है। तो ये खाना उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। जैसे कि यंगस्टर्स हैं वो खाना घर पे बनाते ही नहीं है या उनको बनाना नहीं आता है, तो ये खाना उनके काफी काम आता है, इसको वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप रिटायर होते हैं तो काफी हैंडसम अमाउंट मिलता है। जब भी कोई, मान लीजिए 5 साल आप काम करने के बाद अपनी नौकरी छोड़ेंगे या 10 साल के बाद अपनी नौकरी छोड़ेंगे, तो जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन। नहीं तो कम से कम 40-50 लाख रुपए तो आपको मिलने ही वाले हैं अगर आपने अच्छी अवधि के लिए काम किया है, एक अच्छी पोजीशन पे आपने काम किया है। फ्री मेडिकल सर्विस है, जॉब के दौरान तो है ही, जॉब के दौरान तो आपके इतने सारे टेस्ट होते हैं कि आपको कभी कोई बीमारी होगी तो शुरू में ही पता लग जाएगा, और होगी तो उसका इलाज भी बड़े आराम से हो जाएगा। इसके अलावा रिटायर होने के बाद भी आपकी फ्री मेडिकल सर्विस है, इंश्योरेंसेस हैं काफी ज्यादा जिसका काफी बेनिफिट पूरी लाइफ में मिलता है। आपको शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क मिलता है। देखिए, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर हम लोग थक जाते हैं या हम बड़े परेशान होते हैं, बट कैबिन क्रू एयर होस्टेस की एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपको थकने नहीं दिया जाता है। तो हर एयरलाइन इस बात का ध्यान रखती है कि कैबिन क्रू को थकावट ना हो, क्योंकि अगर कैबिन क्रू होगा थका हुआ तो पैसेंजर्स को भी दिक्कत आएगी और फ्लाइट क्रैश हो सकती है। जी हाँ, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पायलट फ्लाइट को उड़ाता है। पायलट उड़ा जरूर रहा है, पर बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं एयरक्राफ्ट के जो कि कैबिन क्रू की नजर में होते हैं। सिर्फ कैबिन क्रू ही बता सकता है कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो पायलट को इन्फॉर्म करते हैं और एयरक्राफ्ट को बचाया जाता है। तो इसीलिए कभी भी फ्लाइट क्रू को थकने नहीं दिया जाता है। एयरक्राफ्ट के अंदर ही इनों के सोने का भी इंतजाम होता है। अगर लंबी फ्लाइट होगी तो इनों के स्लीप करने का, इनके आराम करने का काफी, क्या कहते हैं, जगह बनी हुई होती है, और इनको बीच बीच में बैठने के लिए बोला जाता है कि आप लगातार काम ना करें। इनका कोई बॉस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आप किसी को आंसरेबल नहीं है, आपका कोई भी बॉस नहीं है यहां पर, इस बात को आप समझिए। ठीक है, आपने जाके किसी के आगे या किसी के कहने पर काम नहीं करना है, हर एक किसी को उसका काम समझा दिया गया है, उसी के बेसिस पर काम करना है। ठीक है, आपने किसी को जवाबदार नहीं है आप किसी के। ठीक है, इसके अलावा आप फेमस हो जाते हैं। अगर कोई कैबिन क्रू अपना YouTube चैनल बनाता है या अच्छे से कुछ और काम करता है, देन यू आर वेरी फेमस। अगर आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं और अगर आप कैबिन क्रू बन जाते हैं, अगर आप एयर होस्टेस बन जाती हैं, तो आपके स्कूल वाले आपको बुलाएंगे कि आप आइए आकर हमारे बाकी बच्चों को मोटिवेट कीजिए। अगर आप अपने कॉलेज के अंदर उनको पता लगता है आप एयर होस्टेस बन गई हैं या कैबिन क्रू बन गए हैं, तो आपको बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में जा सकते हैं अगर आपके लिंक्स अच्छे बन जाते हैं, आप हजारों नए लोगों से मिलते हैं। ये एक ऐसी जॉब है और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलने को मिलता है।
तो ये लोग आपकी बेनिफिट आपके काम आते हैं, आपकी सोशलाइजेशन होती है, आपके नेटवर्किंग होती है, तो ये काफी काम आता है। इसके अलावा आपको ऑनररी मेंबरशिप्स मिलती हैं, बड़े सारे होटल्स हैं, बड़ी सारी एयरलाइंस हैं, बड़े सारे क्लब हैं जो आपको फ्री मेंबरशिप देते हैं, और इन मेंबरशिप्स का ये फायदा होता है कि हम आगे जाकर काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कैबिन क्रू है तो उनके बच्चों का कॉलेज में बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा, अगर वो किसी रिप्यूटेड, किसी अच्छे रिप्यूटेड क्लब के मेंबर हैं, या फिर वो किसी अच्छे रिप्यूटेड एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो ये सब इनको काफी ज्यादा फायदे होते हैं अगर हम कैबिन क्रू हैं। ट्रैवलिंग तो एक अलग चीज है, देखिए फ्लाइट क्रू, कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ये लोग ट्रैवल कर करके थक जाते हैं, इनको इतना ट्रैवल करने को मिलता है कि ये लोग ट्रैवल कर करके थक जाते हैं। आप ये सोचें कि आपको फ्री ट्रैवल मिलेगा तो इतना मिलेगा कि 5 साल के बाद आप ही कहेंगे कि आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, इतनी ज्यादा ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो सर, मेरा, मैं दुर्गेश, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ब्लेजर पहनना कंपलसरी है क्या? क्या क्या कंपलसरी है सर? ब्लेजर पहनना कंपलसरी है क्या इंटरव्यू में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप इस बात को मानकर चलिए, अगर आप लड़के हैं तो बिल्कुल ब्लेजर पहनना जरूरी है, जहां तक कि अगर आप लड़की हैं तो भी मैं कहूंगा कि आपका ब्लेजर पहनना जरूरी है, ठीक है? अगर तो कौन से कलर का टाई पहन कर जाए, अगर आप लड़के हैं तो टाई भी पहन कर जाए, अगर आप लड़की हैं तो आप स्कार्फ पहन कर जाए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है आप कैबिन क्रू बनने वाले हैं, एयर होस्टेस बनने वाले हैं, तो एक बिजनेस सूट आपको सिलवाना ही पड़ेगा, और बिजनेस सूट अगर आप खुद कपड़ा लेके सिलवाते हैं तो ज्यादा महंगा नहीं है, 5-6 हजार रुपए में आपका बिजनेस सूट बन जाएगा। अच्छे से फॉर्मल जूते लीजिए, ज्यादातर लोग ब्लैक शूज लेते हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा कि ब्लैक शूज मत लीजिए, ब्राउन शूज लीजिए, तो आप बाकियों से थोड़े से अलग नजर आएंगे, अच्छे नजर आएंगे। जिस कलर के आपके शूज हैं उसी कलर की आपकी बेल्ट होनी चाहिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कियां भी अगर स्कर्ट और शर्ट और ऊपर ब्लेजर पहनती हैं देन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने हमारी कई वीडियोज देखी होंगी, जो थंबनेल है उनके अंदर आपको लड़की नजर आती है जिसने स्कर्ट पहनी हुई है, ब्लू कलर का ब्लेजर पहना हुआ है, तो कोशिश करें कि आप लोग भी वैसे ही ड्रेस कर पाए, जितने अच्छे से आप ड्रेसअप होंगे उतने ही ज्यादा आपके नौकरी लगने के चांसेस है। हाँ जी जैनाब, आप कुछ पूछना चाहती हैं? कुछ भी नहीं, गुड टू सी यू इन द क्लास। आप लोग बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब भी मैं आप लोगों को क्लास में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जैसे है। और हाँ जी बताइए, करीब 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो कि ये कोर्स कर रहे हैं और क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग इस बात को याद रखिए कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। हाँ जी बताइए सीताराम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, सबका मन में एक डाउट रहता ना सर, कैबिन क्रू में असल क्या करना, कैबिन क्रू के अंदर करना क्या है, ये आपका सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। कैबिन क्रू के अंदर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोगों की जान बचाना, ठीक है? अगर लोगों को ये लगता है ना कि कैबिन क्रू का काम सिर्फ खाना खिलाना है और साफ क्या कहते हैं बर्तन उठाना है, तो ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है भाई। अगर हम वो वाली बात होगी कि अंगूर खट्टे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम सिर्फ खाना खिलाना है, कैबिन क्रू का काम होता है सेफ्टी मेंटेन करना। आप समझिए कि आप एक एयरक्राफ्ट के अंदर पहली बार बैठ रहे हैं, अगर कैबिन क्रू ना हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप डरे रहेंगे। और हर एयरक्राफ्ट के अंदर करीब 40% लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये लोगों की सेफ्टी के लिए है। और अगर मान लीजिए भगवान ना करे किसी भी कारण से फ्लाइट क्रैश होने की नौबत आ जाती है तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। जैसे कि आपने हमारी कुछ वीडियो क्लासेस के अंदर भी सुना होगा, मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि जितनी भी वीडियो क्लासेस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे उन सबको सुना कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको वैसे मिल जाएगा। तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा हमारे वर्चुअल क्लासरूम के अंदर भी और वैसे भी कि कैबिन क्रू की वजह से हजारों लाखों लोगों की जान बचती है। जब कोई प्लेन क्रैश होने वाला होता है या हाईजैक होने वाला होता है या फिर इमरजेंसी एक्सेप्ट करना होता है, आप ये समझिए कि कोई बॉम्ब थ्रेट है, अगर एयरक्राफ्ट को पता चलता है कि उसके अंदर बॉम्ब है और उनको लोगों को बाहर निकालना है, अगर कैबिन क्रू ना हो तो इन लोगों को बाहर निकालने में ही इतनी भगदड़ मच जाएगी कि उसी में ही लोगों की कैजुअलिटीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो कैबिन क्रू का काम है लोगों की सेफ्टी, इस बात को आप समझिए।
और जी हाँ, खाना खिलाने से लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, आप इस बात को अजमा के देख सकते हैं। कभी भी अगर आप उदास हैं या फिर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो आप अपनी फेवरेट डिश खाकर देखिए या ऑर्डर कीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई ट्रैवल कर रहा है या घबराया हुआ है तो ये रूल होता है कि हम उनको अगर अच्छा खाना खिलाएंगे तो वो अच्छा फील करते हैं, और इसीलिए ये कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक बार फिर अपने आप को रिपीट कर रहा हूं कि कैबिन क्रू आपकी सेफ्टी के लिए है, जो पायलट है वो सिर्फ आगे देख रहा है, पायलट कॉकपिट के अंदर होता है, इंजन पीछे होते हैं। अगर इंजन के अंदर आग लगेगी तो ये कैबिन क्रू होगा जो पायलट को बताएगा। एक एयरक्राफ्ट के अंदर 4, 6, 8 इंजन भी हो सकते हैं, तो अगर एयरक्राफ्ट के अंदर आग लग रही है तो कैबिन क्रू को सबसे पहले दिखाई देगी। अगर वो टाइम से बताएगा तो बिना किसी दिक्कत के एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है और हर एक किसी की जान बचाई जा सकती है। तो कैबिन क्रू का काम लोगों की जान बचाना है। जब भी एयरक्राफ्ट किसी ऐसी जगह पर लैंड होता है जहां पर उसके लैंड होने की प्लानिंग नहीं थी, तो वहां पर आपके लिए कोई सीढ़ियां नहीं होती हैं, वहां पर एक बलून की तरह स्लोप नीचे खुल जाती है जिसपे से लोगों को हमें धक्का मारना पड़ता है एज ए कैबिन क्रू। अगर मेरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है और मुझे बताया गया मुझे लोगों को बाहर निकालना है और एयरक्राफ्ट 4 मंजिल ऊंचा है, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आके दरवाजे पे खड़े होंगे वो अपने आप ही नीचे उतर जाएंगे? हमें लोगों को लिटरली धक्का मारना पड़ता है कई बार। अगर वो टाइम से नीचे नहीं जाएंगे तो उनकी डिले की वजह से जो लोग पीछे हैं उन्हों की भी जान जा सकती है, और इन पैसेंजर्स के साथ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। चाहे हम उनको पुश कर रहे हैं पर फिर भी जो हम पुश कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कैबिन क्रू का लोगों की जान बचाना, उनको कंफर्टेबल रखना, जी हाँ खाना खिलाना, पर खाना खिलाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनको करनी होती। तो आज की क्लास में यहीं पर ही कंक्लूड करूंगा। सर एक क्वेश्चन है, देखिए मैं 2 क्वेश्चन जरूर लूंगा। बताइए दर्शक, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब संडे को जो एग्जाम है तो उसके बारे में कुछ बताइए ना। देखिए संडे को एग्जाम नहीं है, आप अपडेटेड नहीं है, आप एक बार दोबारा उस लिंक पर जाकर देखिए, डेट चेंज हो चुकी है, आपका एग्जाम मई में है। ओके सर, ठीक है। हां जी प्रदीप, पूछिए आपका क्या सवाल है। सर कैबिन क्रू क्वेश्चन, हेलो अभी एक मिनट रुक जाइए, प्रदीप को पूछने दीजिए फिर मैं आपके ऊपर आता हूँ। हां जी बोलिए प्रदीप। सर कैबिन क्रू और एयर होस्टेस में कोई डिफरेंस होता है? कैबिन क्रू का मतलब है कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको हम कैबिन क्रू कह सकते हैं। एयर होस्टेस का मतलब है लड़की, होस्टेस का मतलब होता है लड़की। एक लड़की को भी आप कैबिन क्रू कह सकते हो, लड़के को भी कैबिन क्रू कह सकते हो, पर एयर होस्टेस का मतलब है सिर्फ फीमेल। हां जी अभी बोलिए क्या सवाल है आपका। अनम्यूट कीजिए अपने आप को रवि और बोलिए, बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लेग्स तो नजर भी नहीं आएंगे। एक बार दोबारा मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, कोई भी ऐसा पार्ट जो आपका नजर नहीं आ रहा है उसके ऊपर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा आपके फेस पे भी अगर कोई स्कार्स है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके फेस का उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी। मैं बार बार यही बोलूंगा, आज मैंने आपको बताया है कि आप इंडिगो, गो एयर, स्पाइसजेट, एयर इंडिया में कैसे अप्लाई करें। आप उनमें अप्लाई कीजिए, वर्चुअल क्लासरूम में बनी है, जितनी भी क्लासेस अवेलेबल है उनको देखिए। ये क्लास भी आपकी वीडियो में अवेलेबल होगी यूट्यूब पर। तो आज की क्लास में यही कंक्लूड करूंगा, अगले बुधवार इसी टाइम पर मिलेंगे। बाय बाय। ओके सर, बाय। यस सर, हेलो।